नमस्कार, बॉबी झा MNS न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, अपने जीवन के अंतिम समय तक भ्रष्टाचारी नंबर वन थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी जीवन एक नंबर वन भ्रष्ट नेता के तौर पर खत्म हो गया। कांग्रेस की तरफ से पिछले कुछ समय से लगातार राफेल मामले में पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है, वो है मेरी छवि का खराब करना। उन्होंने आगे राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि आपके पिताजी को मिस्टर क्लीन कहा जाता था, लेकिन उनका जीवन एक नंबर वन भ्रष्ट नेता के तौर पर खत्म हो गई। इसके बाद पीएम मोदी ने बोफोर्स मामले भी जिक्र किया और कहा कि 1980 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार इस घोटाले के बाद गिर गई। हालांकि इस मामले पर बाद में कोर्ट ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट दे दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राजीव गांधी ने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली थी। UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की 1991 में हत्या कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार में लगे पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि ये लोग मेरी छवि खराब करके एक कमजोर सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।